बीमार थक जाता, सुनने वालों पर इतनी खस्तगी तारी है कि अब दुरूद को वाजिब किफाई समझ रहे। और सिर्फ अब दुरूद पढ़ने का शरफ इस हिस्से को हासिल हो रहा है, वो हिस्सा आएगा। मैं चाहता हूं मजलिस में लोग तमाशे के लिए ना आए, पहली चीज है। तमाशा खत्म न करें, इससे कोई हासिल नहीं है। और अगर कुछ हासिल करना है तो फिर कोई अंजुमन, कोई इदारा, कोई सोसाइटी, कोई मुआशरा जिसमें आप शामिल होंगे, उसके कुछ हुदूद हैं, कुछ हुदूद हैं, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, और उनका लिहाज रखना पड़ता है। आदमी उस वक्त तक आजाद है जब तक कि किसी सोसाइटी में शामिल नहीं है, मगर जब उस सोसाइटी में आ गया तो उसके कयूद, उसके हुदूद, उसके उसूल की पाबंदी लाजिम है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कराहत नहीं है, उस हद तक नहीं है जब तक कि वह बाहर है, मगर जब दीन में आ गया तो जबर है, ऐसा करना होगा वरना दीन से बाहर कर दो। नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, वरना ये अहकाम है। अमदन तक करे तो वाजिबुल कत्ल है। तो इस एतबार से किसी मुआशरे में, किसी सोसाइटी में चंद हुदूद ओ हुदूद ओ कानून को पेश नजर रखना पड़ता। बिल्कुल उसी तरह मजलिस इदारा, जहां मजलिस करने वाले इतने शगफ से मजलिस सिर्फ इसीलिए करते हैं
कि और इतना रुपया इसलिए खर्च करते हैं कि सुनने वालों के सत्य जहनी को बुलंद किया जाए और सुनने वालों के सत्य जहनी को उसी वक्त बुलंद किया जा सकता है जबकि मादे कबूल भी आमादा हो। अगर मादे कबूल आमादा नहीं तो पैगंबर की हजार तबलीग अबू जहल के लिए बेकार है। इसलिए चूंकि हम तकरीबन दर्शगाहों के आदि हैं और दुनियावी दर्शगाहों में भी हमने तालीम पाई है, हर मदरसे में कुछ जवाबित हैं कुछ खवानीन हैं, तो अगर मजलिस को सहलंगारी से न लिया जाए, अगर मजलिस को उसूली तौर पर एक तालीमगाह और एक दर्शगाह समझा जाए तो इंसान उससे बहुत सा इस्तेफादा कर सकता है। मेरी गुज़िश्ता 10 दिन की तकरीरों के नतायज जो मुझे मालूम हो रहे हैं, जिसकी मुसलसल इत्तलाएं मुझे मिल रही हैं, वो मेरे लिए निहायत हिम्मत अफजा है, निहायत हिम्मत अफजा। मैंने अगर किसी के ईमान में तरक्की नहीं दी और अगर किसी के इल्म में इजाफा नहीं किया तो मैंने ये तो जरूर कर दिया है अपनी इन 10 तकरीरों में कि जो समझते थे कि हमारा ईमान बहुत पक्का है उस राह में कि जिसमें वो मौजूद हैं और जा रहे हैं, अब उनको सोचना पड़ा, अब उनको सोचना पड़ा कि तजलजुल कैसे आ गया, तजलजुल कैसे आ गया। और आज की हद तक जितने इत्तलात आए और जितने उलमा से सवालात किए गए वो इसी बिना पर और इसी अंदाज पर कि जो मैंने 8वीं की तकरीर में पटेल पार्क में कहा था और अलदीन हॉल में भी उसको दोहराया था आपके मालूमात के लिए, वो ये कि नबुव्वत से पहले रसूल क्या थे, ये मैंने पूछा है, नबुव्वत से पहले रसूल क्या थे, किस दीन पर थे। अगर वो दीन अल्लाह के नजदीक ममदू है और काबिल कबूल है तो अब्दुल्ला और अबू तालिब पे क्या इल्जाम, आज वही मबाहिस जारी है, पढ़े लिखे तबके काम कर रहे हैं उस पर कुरान मजीद की आयतों से हटकर। तो इस तरह से फिक्र की तरबियत की जाती है। मैंने अपने तकरीर के उस हिस्से को इसलिए यहां दोहराया कि मैंने फिर जिस आयत की तिलावत की है वो नहायत अहम। अच्छा, ये वो आयत है कि सफर को जाते हुए हर शख्स पढ़ा लिखा आदमी उमूमन मुसाफिर के कान में पढ़ देते हैं, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरान लरातुका इला माद, जिसने तुझ पर कुरान को फर्ज किया है वो यकीनन तुझको माद की तरफ लौटा देगा। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरान लरातुका इला माद, जिसने तुझ पर कुरान को वाजिब किया है वो ये वादा करता है गश्त माद की तरफ होगी। कुल रब्बी आलमो मन जाआ बिलहुदा, कह दो ए रसूल कि मेरा रब जानता है कि हिदायतों के साथ कौन आया, वो मन हुआ थी जलाल मुबीन, और खुली हुई गुमराही में कौन है। मुफस्सरीन ने यहां माना यह किए हैं कि रसूल चले थे मक्के से, विलादत हुई थी मक्के में, हिजरत हुई मदीने की तरफ, तो वादा ये किया कि तुम जाओ मदीना फिर हम तुमको बुला लेंगे मक्का, तो माद से मुफस्सरीन ने मक्का मुराद लिया कि तुमको फिर अपने घर की तरफ लौटना नसीब होगा। बहरहाल इसी तफसीर के बिना पर हर मुसाफिर के लिए
यह दुआ पढ़ी जाती है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरान लराद्दुका इला मआद। और आयत क्योंकि बहुत दिलचस्प है, इसलिए आयत को समझना, गौर करना, याद करना जरूरी है। ये सूरह क़सस की आयत है। सूरह क़सस कलाम मजीद का 28वां सूरा है। सूरह क़सस की आयत है, इसका अंग्रेजी में तर्जमा है नैरेटिव्स। सूरह क़सस का की एक आयत है और उस आयत का निशान है 85। छोटी सी आयत है इसलिए आसानी से याद हो सकती है, मगर एक साहब का वाकया मालूम है कि वो ये देख रहे थे कि एक बहुत बड़े आदमी जब सफर को जा रहे थे तो बहुत से वहां साहिबान इल्म बार बार जाते, उनके कान में कोई दुआ पढ़ के आते। इन्होंने कहा शायद कायदा ही है, ये गए कान में और जाके उन्होंने आयत याद नहीं थी, उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा लका सुमतो वला रिस्ते कफ्तरतो वले। उसने कहा हाँ, तो कहा मुझे यही याद। तो अगर हाफिजे पे छोड़ दिया जाए तो यही याद रहेगा, अल्लाहुम्मा लका सुमतो वला रिस्ते कफ्तरतो, यही याद रहेगा। इसलिए छोटी छोटी आयतों को याद रखने की कोशिश कीजिए। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरान लराद्दुका इला मआद, जिसने कुरान तो तरवाजिब किया है वो तुझे यकीनन मआद की तरफ पलटा, मआद की तरफ लौटा, वो यकीनन तुझे मआद की तरफ वापस करेगा। मैं आज और कल दो दिन मैं मआद पे गुफ्तगू करना चाहता हूं, इसलिए कि मुहर्रम की तकरीरों से मैं अपने अफकार को बेरब और गैर मुसलसल नहीं रख सकता। मैंने किसी तकरीर में यह अर्ज किया था कि जिसका जो मबदा होगा मआद भी वही होगा, जो चीज जहां से शुरू होगी वहीं आउत करेगी। अगर फिक्र को मादे से शुरू करेंगे तो फिक्र मादे पे खत्म होगी, अगर फिक्र खुदा से शुरू होगी तो फिक्र खुदा पर खत्म होगी। ये एक मुस्तकिल मसला है, इसलिए वो मजबूर हैं जो अपने आप को ना खुदा शनास कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने ये समझा कि हम किसी के हुक्म से नहीं आए, हम किसी के हुक्म से नहीं बने। जाहिर है जब किसी के हुक्म से नहीं बने तो किसी के हुक्म से मौत नहीं आई, मिट्टी से आए मिट्टी में मिल गए, मिट्टी आगाज मिट्टी अंजाम। वो ये समझते हैं कि अब कहीं जाना नहीं है, तो उनकी फिक्र मादे से शुरू होती है, मादे पे खत्म होती है। क्या होगा ये और मंजिल है, लेकिन जो अपनी फिक्र को हुक्म इलाही से शुरू करते हैं उनकी फिक्र को हुक्म इलाही पर खत्म होना है। अब इसके बाद दो लफ्ज हैं, इसको समझ लीजिए। एक है बदा, बे दाल अलिफ या नहीं तो हमजा, बदा। बदा इब्तिदा, आगाज शुरू होना, और औद ऐन वाऊ दाल पलटना, बदा औद, और इसी से मबदा मआद, अव्वलियत का मकाम नुक्ता आगाज और मंजिल औद, मबदा मआद इब्तिदा इंतहा। कुरान मजीद ने लफ्ज औद को कई मकाम पे इस्तेमाल किया है, और मुख्तलिफ तशरीफ के साथ इस्तेमाल किया। मैं सूरह अंबिया की आयत पढ़ता हूं, सूरह अंबिया कलाम मजीद का 31वां सूरा है। इरशाद होता है कमा बदअना अव्वल खल्क नुईदुहु, जैसे हमने खल्क अव्वल को पैदा किया है उसी तरह से उसको लौटाएंगे।
वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, हमारा वादा है हम ऐसा ही करेंगे। वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, यह हमारा वादा है हम ऐसा ही करेंगे। खल्क अव्वल को जैसे आगाज हमने दिया था वैसा ही उसका अंजाम होगा। जो मब्दा था वो माद होगा, जो पदा था वही और होगा। कमा पदा ना अव्वल खल्किन नुईदुहु वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन लकद कतबना फिस ज़बूर मिन बादे ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादिया सालिहून, हमने ज़बूर में ज़िक्र के बाद लिख दिया कि हमारी ज़मीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, इसमें इबादत करने वाली कौम के लिए पैगाम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब आप समझ रहे हैं, रहमतन लिल आलमीन बना के भेजा। रहमत मबदा में भी, रहमत माद में भी, रहमत बदा में भी, रहमत औद में भी, आगाज भी रहमत अंजाम भी रहमत। हमने अव्वल खल्क को जिस तरह से पैदा किया था उसको उसी तरह से लौटाएंगे। तुम इस जमाने को न देखो कि बचपन क्या था, तुम इस जमाने को न देखो कि हलीमा दाई के पास कैसे वक्त गुजरा, तुम इस जमाने को न देखो कि कारवाने तिजारत कैसे ले गए, तुम इस जमाने को न देखो कि खतीजा के साथ जिंदगी कैसी थी, तुम उसके उन कैसी याद को न देखो उनके जिनके मुताल्लिक तुमको कभी कभी क्या हमेशा बशरियत का धोखा होता रहा। हमने रहमत से आगाज किया है, रहमत पर खत्म करेंगे और बज़ात से खुद उसको रहमत बनाकर दूसरों के लिए हमने रहमत बना दिया। जैसे नूर जो बज़ात से खुद रोशन हो दूसरों को रोशन करे, रहमत वो जो अपनी आज़ात में रहमत हो दूसरों के लिए रहमत बन जाए। कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदुहु, जिस तरह से कि हमने पहली खल्क को पैदा किया उसी तरह से उसको लौटा देंगे। वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, यह हमारा वादा है हम ऐसा ही करेंगे। और वो सिलसिला है ये सूरह अंबिया की आयतें। सूरह आराफ में एक आयत है और वो आयत ये है, ये सूरह आराफ कलाम मजीद का सातवां सूरा है। छठा सूरा अनाम है, सातवां सूरा आराफ है। कमा बदाकुम तौदून, कमा बदाकुम तौदून, जैसे तुमको तुम्हारी इब्तिदा हुई है उसी तरह से तुम्हारा अंजाम भी होगा। बड़े नाजुक मसाइल हैं। कमा बदाकुम तौदून, जैसा आगाज वैसा अंजाम। इसलिए अजीजो आगाज तकरीर में, आगाज बहस में पहले एक बात तय करने की कोशिश करो कि अगर मुआशरे को कामयाब माद तक पहुंचाना चाहते हो तो हर शख्स ये कोशिश करे कि हर शख्स का आगाज काबिल एतराज न हो। कितने एहतियात की जरूरत है जिंदगी में, कितने एहतियात की जरूरत है विलादत में, तहारत की कितनी जरूरत है। इसी तीब विलादत की किस कदर जरूरत है ताकि मौत में तहारत हो। मौत की तहारत याने तवज्जो एक तरफ हो, हर तरफ नहीं। तो तीब विलादत पर तीब माद का मदार है, तीब विलादत पर तीब मौत का मदार है। तो ये दे तीब पाकी तहारत, तहारत विलादत जरूरी है, तहारत आगाज जरूरी है। इसलिए इस्लाम ने चंद अहकाम नाफिस किए हैं हिफाजत नस्ल के लिए। तवालुदो तनासुल तमाम हैवानात में है, इंसान भी एक हैवान है। फसल करीब उसकी अक्ल है, अक्ल के एतबार से मुमताज हो रहा है हैवान से।
چونکہ عقل کنٹرول کرتی ہے انسان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کھانے اور پینے پر, اس لیے عقل کا کنٹرول ہے توالد و تناسل پر. بجائے اس کے حیوانوں میں یہی سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا ہے, لیکن وہاں عقل کنٹرول نہیں کرتی, جبلت حیوانی کنٹرول کرتی ہے. تو جبلت حیوانی کے کنٹرول میں وہاں صرف یہ ہے کہ جو مل جائے جہاں سے مل جائے جس طرح سے مل جائے, وہاں دیانت پیش نظر نہیں ہے, وہاں یہ نہیں ہے کہ یہ مال چوری کا ہے کھانا نہیں چاہیے. وہاں حیوانی جبلت چونکہ کنٹرول کرتی ہے, اس لیے حیوان نیک و بد اچھے اور برے پاک اور ناپاک کی تمیز نہیں کرتا. جب عقل انسانی کنٹرول کرتی ہے انہی خواہشات پر کہ دیکھنا سننا سونگنا چکھنا محسوس کرنا چلنا پھرنا سونا جاگنا تغذیہ تنمیہ تولید مسل سب پہ کنٹرول ہے انسان کے پاس عقل کا. میں نے کبھی تفصیل سے عرض کیا ہے, یہ آج پھر اتنا عرض کروں, حیوان میں یہی صفات, تغذیہ تنمیہ تولید مسل, غذا لاؤ ڈھونڈو غذا کو, نیند آئی سو جاؤ, تنمیہ تے نون نیند یہ ہے. تولید مسل یعنی اپنی طرح سے کوئی اور آئے, یہ ہے حیوان کی طلب, یہی ہے انسان کی طلب. طلب میں کوئی برائی نہیں ہے, کنٹرول میں پریشانی ہوتی ہے. کنٹرول میں دیکھا جاتا ہے کہ کنٹرول کس کا ہے. اگر حیوانی جبلت کنٹرول کر رہی ہے تو تباہی ہے, بربادی ہے, انسان نہیں ہے حیوان ہے. کل انعام بل ہم اضل, حیوان ہے, ان حیوان سے بھی بدتر ہے. اور اگر عقل نے کنٹرول کیا تو پھر دیکھنے کے طریقے بدل گئے, سننے کی راہیں بدل گئیں, سونگنا چکھنا عقل کے تابع ہو گیا, محسوس کرنا عقل کے تابع ہو گیا, وقت پر سوئے وقت پر جاگے, وقت پر سوئے وقت پر جاگے, تنمیہ تغذیہ تولید مسل سب کا ایک قانون بن گیا. اس لیے کہ عقل حکمران. میں نے اسی مقام پہ آگے بڑھ کے ایک موقع پہ عرض کیا تھا, میں تکرار سے اس وقت نہیں گھبراؤں گا, مگر کیونکہ سمجھا رہا ہوں, اس لیے یہی صفات نبی میں بھی ہیں. نبی کچھ الگ نہیں ہے, نبی بھی سوتا ہے, نبی بھی جاگتا ہے, نبی بھی چلتا ہے, نبی بھی پھرتا ہے, نبی بھی اٹھتا ہے, نبی بھی بیٹھتا ہے, نبی دیکھتا ہے, سنتا ہے, سونگتا ہے, چکھتا ہے. نبی انسان ہے, اور انسان میں وہی صفات ہیں جو حیوان میں, مگر حیوانی صفات پہ کنٹرول ہے جبلت حیوانی کا. انسان میں یہ صفات آتے ہیں عقل کے کنٹرول میں, نبی میں یہ صفات آتے ہیں وحی کے کنٹرول میں. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ وحی نے کنٹرول کیا, یہ یاد رکھنے کی بات ہے. ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں خالق دینا ہال, مگر چاہتا ہوں کہ افہام و تفہیم رہے اور آپ سمجھیں تاکہ گفتگو کریں. دھوکہ چونکہ ہماری حیوانیت کھا رہی تھی, ہماری حیوانیت دھوکہ کھا رہی تھی نبی کو سوتے جاگتے چلتے پھرتے دیکھ کر. مطلب عقل کا تو فیصلہ یہی ہے کہ وہ تابع وہی ہے, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں کچھ نہیں ہوں مگر تابع ہوں وہی کا جو وہی آئے. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تابع ہوں وہی. مگر جب ہم عقل سے بیگانہ ہو گئے تو ہماری جبلت حیوانی نے قیاس کیا نبی کی ذات پر اپنی ذات کا, اور کہا وہ بھی سوتے جاگتے ہیں, وہ بھی چلتے پھرتے ہیں. تو ہم نے قیاس کیا کیا, بڑے بڑے مفکرین نے یہ قیاس کیا, بڑے بڑے عزیزوں نے یہ قیاس کیا کہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ہماری ہی طرح سے تھے. تو ایسی صورت میں اگر ہم یہ محسوس کر لیں کہ عقل ہماری قوتوں پر کنٹرول کرتی ہے, تو سب سے پہلا مسئلہ نقطہ آغاز ہے, ابتدا ہے.
मबदा है और उस मंजिल से तौलीद मसल के साथ तरबियत तालीम सोहबतें मुआशरा मदरसा मुआश मुलाजमत दीनी खिदमत ज़ईफी मौत ये मदारिज और अगर इन सब में एहतियात बरती गई तो फिर तीब विलादत के साथ तहारत फिक्र भी तहारत शऊर भी तहारत इल्मी भी और इन तमाम चीजों के साथ साथ इंसान की फिक्र एक ऐसी मंजिल पर आती है जहां कोई नजासत उसको मस नहीं कर सकती कोई नजासत उसको खराब नहीं कर सकती कोई नजासत उसको आलूदा नहीं कर सकती। अज़ीज़ा निगरानी मैंने एक बहस छोड़ दी है मैं समझता हूं कि मैं दो दिन में उसको खत्म कर दूंगा लेकिन आपकी इत्तला के लिए और जाहिर है कि यह इत्तला मुझे देनी ही चाहिए जब मैं खुद जहमत उठा रहा हूं तो अजब नहीं कि आपके दिलों में यह ख्याल हो कि मैं उसको छुपाऊं क्यों। देखिए तकरीरों का सिलसिला फिर शुरू हो गया मेरे डॉक्टरों ने मेरे मुआलिजों ने रोका मगर बाज ऐसे अहबाब के जिनकी तकरीरें और जिनकी मजलिसें मैं एक अरसे से पढ़ता हुआ चला रहा था उनके इसरार बेहद पर मुझे कुछ कमी के साथ मजलिसों को कबूल करना पड़ा मगर सिलसिला यूं बन गया कि अब आज और कल तो दो तकरीरें मैं कर रहा हूं यहां और इसके फौरी बाद महकमा औकाफ की मजलिसें शुरू हो रही हैं पांच लॉरेंस रोड बारा इमाम वहां मैंने आज ही गवर्नमेंट को इत्तला दी है कि मैं तफसीर सूरह कौसर पर गुफ्तगू करूंगा और जैसी ही वो मजलिसें खत्म हो जाएंगी आप फिर एक ऐलान सुनेंगे या देखेंगे कि मैं 10 तकरीरें एक और जगह कर रहा हूं मुसलसल अभी उनवान तय नहीं पाया और इस तरह से यह सिलसिला मेरा मुझे खींच ले जाएगा यकीनन चहलों तक। लेकिन इस मसरूफियत में मेरी वाहिद तमन्ना यह है कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं और आप मसाइल को समझ सकें और जो कुछ कहा जाए उसको याद रखें। मुफस्सरीन की एक आदत है मुस्लिम मुफस्सरीन की कि किसी लफ्ज को शान नुजूल के साथ महदूद कर देते हैं मात यानि मक्का ऐ रसूल जाओ हम फिर तुमको बुला लेंगे तो अब आप फिर गौर कीजिए कि क्या वाकई रसूल को बुलाया गया मक्का रहने के लिए रसूल रहने के लिए आए फिर मक्का यानी एक अजीब बात है सिर्फ मक्का फतह हुआ रसूल वापिस गए या हज के लिए आए वापिस गए मगर मात तो बन ना सका। इसलिए मुफस्सिर ने जब ये कहा या हज़रत इब्न अब्बास की तरफ इसको निस्बत दी गई कि उन्होंने ये कहा कि माद मक्का है तो बहरहाल हमको शान नुज़ूल में कोई बहस नहीं है मगर ये कि इसका मफहूम अबदी है अबदी है और उस मफहूम के एक हिस्से को आज पेश करके मैं अपनी बहस को आगे बढ़ाता हूं। कमा बदअना अव्वल खल्क नुईदुहु जैसे हमने खल्क अव्वल को बनाया जैसे हमने खल्क अव्वल की इब्तिदा की वैसे ही उसको आवत करवाएं उसी तरह से वो उसको लौटाएं उसी तरह से उसका माद होगा। खल्क अव्वल क्या है कमा बदअना अव्वल खल्क नुईदुहु खल्क अव्वल क्या है रसूल से पूछा खल्क अव्वल क्या है फरमाया अक्ल रसूल से पूछा गया खल्क अव्वल क्या है फरमाया माए हयात रसूल से पूछा खल्क अव्वल क्या है फरमाया फैज रहमान अर्ज किया तशरी और फरमाया मेरा नूर।
چنانچہ آپ سب کو حدیث یاد ہے, اول ما خلق اللہ نوری, خلق اول نور خاتم. اب اس کو مقام تعقل پر دیکھو تو عقل ہے, مقام رحمت پر دیکھو تو فیض رحمان ہے. چونکہ مقصد کائنات ہے اس لیے نقطہ کن ہے, چونکہ رحمت ہی رحمت ہے اس لیے فیض رحمان ہے. اس سے سب کو وجود ملا اس لیے وجود منبسط ہے. جتنے صفات لیے جائیں گے اسی عقل اول کے صفات ہیں. عقل اول بنا کے پیدا کیا حبیب, نور اول بنا کے پیدا کیا, اور اب معاد جو ہوگا معاد پھر نور ہے, پھر عقل ہے, پھر فیض رحمان ہے, پھر مائے حیات ہے. عجیب گفتگو ہے. ایک فلسفے کی فکر ہے, ملاحظہ فرمائیے, فلسفے میں دور باطل ہے, تسلسل باطل ہے, تسلسل باطل ہے, اور اس پہ گفتگو ہوگی. مگر سائنس نے یہ ثابت کیا ہے اور قرآن نے اس بات پر وضاحت کی ہے کہ حرکت عالم دوری ہے, دور یعنی زمین کی گردش دوری ہے, آفتاب کی گردش دور ہے, تاروں کی گردش دور ہے. مگر سائنس یہ کہتی ہے کہ دور کے بعد جب دور آتا ہے تو اسی دائرے پر دور نہیں آتا بلکہ مکان بدل جاتا ہے, اس لیے پھر وہ دائرہ یوں بدل جاتا ہے, پھر دائرہ اس طرح سے بدلتا ہے. تو لا مکان میں دائرے بدلتے جاتے ہیں, اسی دائرے پہ پھر دور نہیں ہے, یعنی ایک ہی سرکل پر نہیں گھومتا ہے, سرکلز بناتے ہوئے جاتی ہے زمین فضا میں. تو یہ دور حرکت عالم دوری ہے, تو ایک مقام پر نہیں ہے بلکہ انا لموسعون, ہم اس کی وسعت دینے والے ہیں, فضا لامتناہی ہے, مختلف سرکلز بنتے ہوئے جا رہے ہیں کائنات کے حرکت. تو ایسی صورت میں جبکہ ہم حرکت عالم کو دیکھ رہے ہیں, اور کبھی کبھی یہ کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے مگر زمان بدل گیا, مکان بدل گیا, وہ ساعت بدل گئی, وہ وقت بدل گیا. آپ نے ایک مکان کو دو مرتبہ دیکھا, تو ایک مکان کو دو مرتبہ دیکھا تو پہلے مکان کو جو دیکھا وہ وقت الگ تھا, دوسری مرتبہ جب دیکھا پھر وقت الگ ہو گیا. آپ نے ایک چیز کو دو مرتبہ دیکھا, پہلی مرتبہ جب دیکھا وقت اور تھا, دوسری مرتبہ جو دیکھا وقت اور تھا. تو بالکل اسی طرح مبدا سے لے کے معاد تک اگرچہ مسلسل سرکلز بنتے ہوئے جا رہے ہیں, زمان بدل رہا ہے, مکان بدل رہا ہے, مگر ذات واجب ایک ہے, اس کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان, اس کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان. کائنات کے لیے تغیر ہے, اس کی ذات میں تغیر نہیں ہے. کائنات میں تبدیلی ہے, اس کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کی ذات کے لیے بدا بھی وہی ہے جو عود ہے, مبدا بھی وہی ہے جو معاد ہے. ذرا سا میں نے سطح ذہنی کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے, ذات واجب کے لیے مبدا و معاد ایک ہے, بلکہ مبدا ہی کے وقت معاد کا تعین ہے, آغاز ہی کے دن انجام کا تعین ہے. علم الہی میں ہے کہ کہاں جا رہا ہے, علم الہی میں ہے کہ کہاں جا رہا ہے,
कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। ये हमारा वादा है, उसको हक मिलता है इस बात का कि जो मद्दा है वो मुआद हो, उसको हक इस बात का पहुंचता है जो आगाज है वो अंजाम हो। हमारे अदल का तकाजा है कि जैसे इब्तिदा की है वैसे इंतहा हो। अगर मोहब्बत इब्तिदा है तो मोहब्बत इंतहा हो, मारिफत इब्तिदा है तो मारिफत इंतहा हो, इश्क इब्तिदा है तो इश्क इंतहा हो, अक्ल इब्तिदा है तो अक्ल इंतहा हो, और अगर दुश्मनी इब्तिदा है तो दुश्मनी इंतहा हो, नादानी इब्तिदा है तो नादानी इंतहा हो, जहल इब्तिदा है तो जहल इंतहा हो। अगर चे सर्कल से बदले, जमान बदले, मकान बदले, मगर चूंकि मुसलसल जा रहा है अपनी इब्तिदा से, इसलिए अपनी हकीकत को नहीं बदलता। देखिए जरा सी फिक्र को बुलंद करने की कोशिश कीजिए या मुझ पर इल्जाम लगा दीजिए कि मैं इस मसले पर खास एक ही नुक्ते निगाह से गौर कर रहा हूं, उस इल्जाम को मैं कबूल कर लूंगा, मगर हक ये है, हक ये है कि अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र कीजिए। बहुत गौर से सुनिए, अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र कीजिए। इन बच्चों की तरबियत के लिए किताबें नहीं, एक ऐसा मुआशरा ढूंढिए कि जिस मुआशरे के कामिल तरीन अफराद इन बच्चों का आइडियल बन जाए, इन बच्चों के लिए मिसाली नमूने बन जाए, इन बच्चों के लिए वो अफराद हीरो बन जाए। और अगर ये मुआशरा कहीं नजर आए तो गनीमत जानिए, पूरा आलम इस्लाम अपने लिए जिस हीरो को पसंद कर ले, पूरा आलम इस्लाम अपने लिए जिस आइडियल को पसंद कर, जिस आइडियल को पसंद कर, कोई जरूरी नहीं है, मगर वो आइडियल हो कि जो सामने आ जाए तो मोहब्बत पैदा हो, तो मोहब्बत पैदा हो। अब अगर कोई फिका का आलिम है बहुत बड़ा, उसी को अपने बच्चों की तरबियत के लिए चुन लीजिए। अगर कोई सर्फ का आलिम हो बहुत बड़ा तो उसी को चुन लीजिए, उसी को आइडियल बनाइए। बहरहाल होना चाहिए एक आदमी दरमियान इंसान, मगर चूंकि मुख्तलिफ मकामात पर इंसान न मिल सके, न फुकहा तसल्ली दे सके, न उलमा तसल्ली दे सके, इसलिए लाजिम था कि सूफिया की एक जमात दरमियान में आए और अपने आप उनको आबिद और जाहिद साबित करते हुए और तरके दुनिया पर माइल बतलाते हुए इनमें एक जज्ब की कैफियत पैदा करे और कहे अब हमको चाहो। चुनाचे मुसलमानों ने और तकरीबन समझदार मुसलमानों में भी बहुत सो ने जितना सूफियाए किराम को चाहा उतना आइम्मा फिका को नहीं चाहा, जितना सूफियाए किराम को दोस्त रखा उतना आइम्मा फिका को दोस्त नहीं रखा। हजरत इमाम आजम का तस्करा उस अजमत और इफ्तिखार के साथ कोई नहीं करता जिस अजमत के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को याद किया जाता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रजी अल्लाह अन्हु को उस मोहब्बत के साथ नहीं पुकारते जिस मोहब्बत के साथ ख्वाजा गेसुदराज बंद नवाज को पुकारते हैं। आप तवज्जो से सुन रहे हैं, हजरत इमाम मालिक के जो मोहसिन इस्लाम है फिका में मुवत्ता के मशहूर लिखने वाले जमा करने वाले, उनसे किसी को इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी हजरत निजामुद्दीन औलिया से है। हालांकि इल्म के बहते हुए दरिया हैं, मगर नहीं, मोहब्बत नहीं हो सकी। मोहब्बत नहीं हो सकी तो कौम को प्यासा भी नहीं रखा जा सकता था, इसलिए अफराद पैदा हुए। उनको नहीं चाहते, इनको चाहो, इनको चाहो, तो बहरहाल कोई ना कोई तो हो। मुझे इनके वजूद को गनीमत जानने में कोई एतराज नहीं है, मगर हो, तरबियत हो, किसी आस्थाने पर तो सर झुके। किसी आस्थाने पर तो सर झुके और इस तरह से
अगर काजा निजामुद्दीन औलिया और काजे अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह और काजे गेसुदराज बंदे नवाज के मुतालिक हजरात को यकीन है कि ये जज्ब कर सकते हैं कुलूब इंसानी को, तो मैं उसी राह से ये ऐलान करना चाहता हूं कि और भी चंद अफराद हैं कि जिन्होंने न सिर्फ जज्ब किया है बल्कि उनके वजूद से यह जाहिर होता कि उन्होंने उन हस्तियों को भी जज्ब कर लिया जिनको आप अपना मरकज निगाह बना रहे हैं, जिनको आप अपना मरकज निगाह बना रहे हैं उनको भी जज्ब कर लिया। तो इस वास्ते हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए ये मिसाली नमूने सामने रखते हैं जिन पर किसी एतराज का किसी को इम्कान नहीं है, कोई मौका नहीं है। और इसलिए रखते हैं कि अगर आगाज या मोहब्बत हो तो अंजाम भी यही मोहब्बत होगी, अगर ये मबदा है तो माद भी होगा, अगर फिक्र में तहारत है बचपन में तो जईफी में भी फिक्र ताहिर होगी। इसलिए अजीजो अगर मबदा पाक है तो माद पाक है। गुफ्तगु आगे नहीं जाएगी, आज किसी मंजिल पर रुक जाए और एक बात याद रखें और वो ये कि मुफस्सरीन ने यह बतलाया कि रसूल मक्के से निकल रहे थे, गमगीन थे, हिजरत की शब यह आयत नाजिल हुई है। मुफस्सरीन का यह कहना है कि हिजरत की शब यह आयत नाजिल हुई, इन लजी फर्ज अलैकल कुरान लरात तो का इलामात, और आयत पूरी नहीं है, ये तो दरमियान का एक टुकड़ा है, आयत पूरी है। कुल रब्बी आलम मंजा बिल हुदा वो मन हुआ तीन सलालिम मुबीन, कह दो कि मेरा रब जानता है कि हिदायत की राह से कौन आया और गुमराही की मंजिल पर कौन है। तो आपने देखा अगर हिदायत की राह पर आया है तो वो रास्ता हिदायत का अंजाम भी हिदायत की मंजिल पर पहुंचाएगा, अगर गुमराही के नुक्ते से कोई चला है तो गुमराही के नुक्ते से चलने वाला हिदायत के रास्ते पर नहीं आ सकता, हिदायत के रास्ते पर नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत में हम अगर ये समझे कि पैगंबर इस्लाम से ये वादा था कि मक्के तक आपको फिर वापस लाएंगे तो जाहिर है हमको मुफस्सरीन के शान नुज़ूल पे कोई एतराज नहीं है, मुमकिन है ऐसा हो। लेकिन इख्तिताम कलाम आज के लिए, माद पैगंबर, माद पैगंबर नुक्ता आगाज पैगंबर, जहां से चला है नबी वहीं जाएगा, जहां से चला है नबी, अगर खालिक से चला है तो खालिक ही की तरफ बात गश, इन इला रब्बे का मुंतहा, तेरे रब की तरफ तेरी इंतहा है, तेरे रब की तरफ तेरी इंतहा है। और हमारी बात गश अगर हम मोहम्मद से चले हैं तो मोहम्मद ही की तरफ जाएंगे। देखिए ये हमारा मबदा हमारा मार्ग, अगर कलेमा दुरुस्त पढ़ रहे हो तो मबदा मोहम्मद और माद मोहम्मद, अब मोहम्मद में क्या क्या बातें पिन्हा हैं इसको आप बेहतर जानते हैं, मोहम्मद किन सिफात का मजमुआ है, किन जवाब का मजमुआ है, किन नफूस का मजमुआ है, किन अबना का मजमुआ है, इस पर बहस तो फिर होगी। मगर ये कि अगर मबदा मोहम्मद है तो माद मोहम्मद है हमारे लिए, और पैगंबर के लिए अगर मबदा जाते वाजिब है तो माद जाते वाजिब है। मदीने से चले हुसैन, मदीने से चले नहीं मोहम्मद से मिलके चले, अब हुसैन और उनके कबीले के लिए माद फिर मोहम्मद, तो करबला खत्म होगी फिर मदीना जाकर,
करबला खत्म होगी फिर मदीना जाकर। मेरा सिलसिला कलाम अब जहन में है, वही माद अहले बैत है कि नाना के पास जाओ। और इस तरह से मुहर्रम की दसवीं की शाम को जब दहरा का भरा घर लुट गया और दूसरे दिन यह तय पाया कि सफर की तैयारी हो, क्योंकि मुझे सिलसिले से जाना है इसलिए मैं खुद 11 मुहर्रम से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यह तय पाया कि अब वापस जाना है तो आलम इस्लाम के मौर्रखीन ज्यादा इस हिस्से तारीख पर नाजा ना हो, इस हिस्से तारीख पर ज्यादा नाज ना करें, इसलिए कि यह तारीख मुस्तनद है कि अहले बैत लुटे और असीर हुए। यह तारीख का इतना मुस्तनद है कि अहले बैत असीर हुए। हुसैन क्यों कत्ल कर दिए गए थे, यहां तक तो आपके जाती अगराज हैं कि हुसैन ने पादशाह वक्त से बगावत की थी इसलिए हुसैन शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, हुसैन को हक नहीं पहुंचता था करबला जाने का, ये अपने अपने तासुरात हैं। मगर अहले बैत ने क्या गलती की थी, सैदानियों की क्या खता थी, बादे करबला सैदानियों की असीरी के क्या माने हैं, कोई है अपोलोजी किसी मौर्रख की तरफ से, कोई है एतजार किसी मौर्रख की तरफ से कि यह उज्र है। बात रह गई तारीख अहले बैत की असीरी, आबिद बीमार करबला ही में तौको सलासिल में जकड़ लिए गए, बीमार को जंजीरें वहीं पहना दी गई और एक नाके पर बिठा दिया गया और इस डर से कि कहीं ये गिर न जाए नाके से कस के बांध दिया गया। सैदानियों से कहा गया कि सवार हो जाओ, बच्चों को घुरकियां दी गई कि चलो जल्दी करो काफिले को कूफा जाना है, क्यों जाते हो कूफा, तो ये तो मदीने वाले हैं मदीना भेज दो इनको, कूफा क्यों ले जाओगे। मगर कोई कहने वाला नहीं है, जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा सरदाराने लश्कर अब तक जो कुछ हुआ आले मोहम्मद ने उस पर सब्र किया, अब कुछ हमसे भी सुन लो। सबसे पहले यह है कि कोई शकी किसी बच्ची को हाथ नहीं लगाएगा, सवारी के वक्त कोई किसी से यह नहीं कहेगा कि हम सवार करेंगे, यह इस्मत का घराना है, हरम सराय रसूल है, हम खुद सवार होंगे, सिर्फ नाके बिठा दिए जाए, नाके बिठा दिए गए। साहेब नासिक ज़ैनबिया ने इस वाकये को लिखा और मेरा ईमान है कि एक मरतबा शिमर ने शिद्दत की और एक बीवी का हाथ पकड़ के खेता और कहा चलो हम बिठा देते हैं। ज़ैनब ने बनजरे जलाल देखा, शिमर तानाफ जमीन में धंस गए और वहां से आबिद बीमार को आवाज दी फरजंद रसूल मदद कीजिए, फूफी को जलाल आ गया। ज़ैनब ने फरमाया मैं कह रही थी शुरू से कि मेरे बच्चों को हाथ न लगाया जाए, मेरे बच्चे सितम दीदा हैं, इस तरह से उनको सवार नहीं किया जाता, हम खुद सवार होंगे। अली की बेटी असदुल्लाह की नूर नजर आगे बढ़ गई, एक एक दीदी का हाथ थामा, कहा उम्मे लैला आओ अली अकबर नहीं है मैं सवार, उम्मे फरमा आओ हाथ कासिम नहीं है मैं सवार करवाऊंगी बीबी, उम्मे फरमा को सवार करवाया, उम्मे लैला को सवार करवाया, एक एक बीबी को अपने हाथ से सवार करवाया, बाजू थाम के और नाके पर बिठाया। और जब अपनी सवारी का वक्त आया तो पहले फुरात की तरफ देखा और कहा अब्बास मदीने की सवारी मुझे याद है, अब्बास याद है मुझे कि तुमने क्या इस्तेमाल किया था,
और मुड़ गई मक्कल की तरफ, का आका बहन सवार हो रही है। खुदा हमको काम हमारे हवाए दे, दुनिया मिल्लत को मुत्तहिद कर मंगल कर सकता।